हमारे साथ इस वक्त आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला मौजूद हैं और आरोप उन पर भी लग रहे थे, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर, सबसे पहले आज का कैसा रहा है पोलिंग, आपको क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अभी तक जो हमारे पास जितनी खबरें आई हैं सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक पिछले 2 घंटे में करीबन 300 से ज़्यादा ईवीएम रामपुर में ख़राब हो चुकी हैं। कुछ पोलिंग बूथ्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक वोटिंग स्टार्ट नहीं हो सकी है। कुछ जगहों पर लोग लाइनों में लगे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ये नहीं बता रहा कि वोट कब से पड़ेगा। जो मशीनें ख़राब हैं वो एज़ इट इज़ हैं, कोई उन्हें बदल नहीं रहा, कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब नहीं आ रहा और लोगों की लाइनें हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। आपने शिकायत की इसकी? हमने सारी शिकायतें करी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई चीज़ ठीक नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके पिता पर तो लग रही थी, कि आपने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, पर्सनल अटैक कर दिए हैं, जो कि आपके राइवल्स को पसंद नहीं आ रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस बात की आप बात कर रही हैं, मैंने इससे पहले भी तकरीरें करी हैं और इससे पहले भी इलेक्शन लड़ाए भी हैं और लड़ा भी है, लेकिन मेरे ऊपर कभी इस तरीके का ना इल्ज़ाम नहीं लगाया आज तक। और जिस बात को लेकर कहा जा रहा है, आप मेरी पूरी तकरीर देख सकती हैं, मैं कोई झूठ नहीं है, आप कहेंगी तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर पूरी तकरीर में जिनके बारे में ये कहा गया कि मैंने इनके लिए कहा, अगर उनका पूरा नाम मिल जाए कि मैंने कहीं उनका नाम लिया, इवन अगर मैंने कहीं इंडिकेट भी किया हो उनकी तरफ, तो मैं गुनहगार हूँ। अगर मैंने इशारतन भी कहा हो, जानबूझकर नाम न लेकर इशारा किया हो, तो भी मैं गुनहगार हूँ। मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, जिस कंटेक्स्ट में वो बात कही गई थी उसकी सफाई मैं कल रिटन स्टेटमेंट में अपने दे चुका हूँ, वो बात मैं दे चुका हूँ। लेकिन एक बात सोचने की और भी है, मायावती जी के ऊपर कितनी गलत टिप्पणी की गई, उसका संज्ञान क्यों नहीं हुआ? मैं एक उसका संज्ञान तो लिया गया है, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना अभी तक। आप जो परसों का स्टेटमेंट है उसकी, आपको मेरे पास फ़ोन नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा देता। मेरी मदर जो खुद राज्यसभा में एमपी हैं, उनकी ज़ात बताई गई, एक राज्यसभा एमपी ने उनकी ज़ात बताई, क्यों नहीं हुआ? जो इंसाफ का तराजू है वो अलग नहीं होना चाहिए।